सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग 29 अगस्त मंडे के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने वाले हैं, कहाँ पे आप कॉल इनपुट की पोजीशंस बना सकते हैं जहाँ से आप अच्छा मुनाफा बना सकें। मंडे के ट्रेडिंग सेशन आने से पहले एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी और वो क्या है कि 29th को रिलायंस का 45th AGM है। अब वहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर प्लान अंबानी जी हम लोगों को बताने वाले हैं। सो मार्केट में मे बी थोड़ी सी वॉलीटिलिटी एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज ज़्यादा हुए, तो अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि क्वांटिटी कम करें या फिर स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा। थोड़ा बहुत न्यूज़ को ट्रैक करना स्पेशली मार्केट के पहले आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी की, तो मैंने एक चैनल ड्रॉ करके रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1-2 अपसाइड में फर्स्ट टाइम यहाँ ब्रेक किया, ठीक है, आज गैप अप हुआ है ना, फिर इसको टच किया, और अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन आज इसी रेंज में ट्रेड किया है ना, तो अच्छी चीज़ है। अगर मार्केट किसी रेंज में ट्रेड करता है तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, अगर उसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। सबसे वैलिड मूवमेंट क्या थी? सबसे वैलिड मूवमेंट थी कि मार्केट आपका जैसे ही गैप अप हुआ, बिकॉज गैप अप होगा तो जो पहले दिन का लेवल आप निकाल के रखे हैं वो तो लॉजिकल रहा नहीं है ना, तो गैप अप हुआ, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे बनी आपकी शूटिंग स्टार। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, यहाँ पे बनी आपकी शूटिंग स्टार, और यहाँ से आप चाहते तो एक पुट की पोजीशन बना के बढ़िया प्रॉफिट इस रेंज तक कर सकते थे, और ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटजी होती है स्पेशली जब मार्केट रेंज बाउंड होता है। तो आज मोर ऑफ अ बहुत ही उतनी स्मूथ मूवमेंट देखने को नहीं मिली है जितनी हम लोग को कल और परसों देखने को मिली है उससे पहले, ठीक है। कभी कभी मार्केट साइडवेज रहता है तो हम लोग अपने रिस्क को कम करके ट्रेडिंग करने वाले हैं। अब चलिए हम लोग मंडे के लिए लेवल्स देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में आपको कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग की पोजीशंस बनानी है। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक परफेक्ट डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परफेक्ट शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, पुट बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपका निफ्टी डाउन साइड में क्रॉस करता है, और वो लेवल कौन सा लेवल है आपका 17,510, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, 17,510 को जैसे ही क्रॉस करेगा 10 पॉइंट को हम लोग एक्स्ट्रा बफर रखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग के दो टारगेट होने वाले हैं, 17,450 का पहला टारगेट, 17,400 का आपका सेकेंड टारगेट होने वाला है। स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस आप रखेंगे 17,550 का एक स्विंग हाई। अब देखिए फ्रेंड्स, बाइंग की पोजीशंस तो मैं मंडे के लिए देखता ही नहीं हूँ। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है 17,600 के लेवल के पास, मैं मार्क कर देता हूँ एक सेकेंड, 17,600, तो भी आप पुट बाइंग करेंगे, मतलब डाउन साइड का ही मोमेंटम आप मान के चलने वाले हैं यहाँ पे भी, है ना। 17,600 के पास जैसे ही कोई शूटिंग स्टार, ग्रेव स्टोन, डोजी, बियर, सिंगल विंग कैंडल बनेगी, तुरंत आप पुट बाइंग करेंगे उसी कैंडल के लो पे। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस आप रख लीजिएगा एक छोटा सा स्विंग आई अराउंड 17,650 के पास, और आप टारगेट्स क्या रखने वाले हैं? टारगेट आपका रहेगा पहला 17,570 के पास, और सेकेंड टारगेट आप यही सपोर्ट रखेंगे 17,520 के पास। बैंक निफ्टी का रिसर्च करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट के फ्री टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे मैं बहुत सारी अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने मुथूट फाइनेंस दिया था, मैंने बैंक निफ्टी की पुट को भी ट्रेड दिया था, बट उसमें ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ है ना। उसके अलावा अगर हम लोग पीछे जाएंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्राइम मेंबर्स ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट कैप्चर किया है। अगर आपको हमारा प्राइम मेंबर बनना है, नो चार्ज एट ऑल, बस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से किसी भी ब्रोकर के थ्रू, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल या फिर एलाइस, अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी अपडेट्स मिलने वाली हैं। पहले आप फ्री को एक बार ट्राई कीजिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स एंड क्या बोलते हैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद आप डेफिनेटली हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम वाले को। अगर आप देखेंगे तो मैंने बैंक निफ्टी की पुट दी थी कल एक्सपायरी के दिन 39,200 वाली, 52 पे 30 का एसएल था, केवल 22 पॉइंट्स का। अब अगर आप लो देखेंगे तो बस 15 से 16 मिनट में से लो पता है कितना बनाया, हाई कितना बनाया 139 का, लगभग 300% का रिटर्न मिला। 52 वाली पुट सॉरी गई 139, जो कि बहुत बढ़िया, 52 वाली पुट गई 139, जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 300% का रिटर्न देखने को मिलता है। ये फ्री में मैंने प्रोवाइड किया था आपको टेलीग्राम पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो सर्च कीजिएगा ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट, स्टिल आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो एक ट्रेड परफेक्ट था, बहुत ही अच्छा ट्रेड था, वैसे दो ट्रेड थे बट एक ही मैं बोलूंगा। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ एट द लेवल ऑफ 39,350 से 39,400 के पास, है ना। मार्केट क्या होता है,
गैप अप हुआ, दो चार कैंडल रुका रहा, ऊपर गया। अब कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, कॉल की पोजीशंस बनाएंगे, बिकॉज उनको लगेगा मार्केट गैप अप हुआ है तो ऊपर जाएगा। ट्रैप करना मार्केट का वैसे भी काम होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट स्पिनिंग टॉप बनाया, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये कितना बढ़िया डाउन साइड किया। तो ये एक जो मोमेंट थी ये कैप्चर हो सकती थी, मैंने यहाँ बढ़िया प्रॉफिट बनाया। फिर मैंने यहाँ कॉल बाइंग करके दोबारा प्रॉफिट बनाया, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप जाके देखेंगे पीछे तो बहुत बढ़िया यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा था। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, ये देखिए, है ना। तो ये फ्रेंड जो मूवमेंट है, तो फ्रेंड जो छोटी छोटी मूवमेंट होती है ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने में। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से पीछे से नॉइज़ आ रही होगी, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सॉरी फॉर दैट, है ना। अगर आप यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे तो एक परफेक्ट चैनल आपको देखने को मिलता है अपसाइड से डाउनसाइड। देखिए मार्केट मतलब बैंक निफ्टी इसी चैनल में, स्पेशली आज तो पूरे दिन इसी चैनल में ट्रेड किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बैंक निफ्टी 38,830 के लेवल को क्रॉस करता है, फर्स्ट साइड में आपको बहुत आसानी तरीके से 38,650 का टारगेट देखने को मिलेगा। तुरंत मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस आप रखेंगे स्विंग हाई अराउंड 38,000, छोटा सा नीचे लेके 38,950 का स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। सेकेंड टारगेट आप रखेंगे 38,450 का। जैसे हम लोग का पहला टारगेट अचीव होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी आपने बुक करनी है और रिमेनिंग क्वांटिटी का स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में आपका दूसरा ट्रेड बनता है, वो भी हम लोग पुट का ही देखेंगे, मतलब डाउन साइड का। अगर मार्केट इसी फ्लो में यहाँ पे जाता है एट द लेवल ऑफ 39,300 या फिर 39,400, जहाँ पे भी जाए, शूटिंग स्टार बनाए, ग्रेव्स टुंडोजी बनाए, बियरिश इंगल्फिंग बनाए, उसके बाद आप दोबारा वहाँ से पुट बाइंग करके बढ़िया प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ट्रेड बनता है यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी 39,400 के पास, आप 39,470 का 70 पॉइंट ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं जहाँ पे भी आपका ट्रेड बनेगा। टारगेट्स आप क्या रखने वाले हैं, पहला टारगेट आपका रहेगा 39,200 और सेकेंड टारगेट आप रखने वाले हैं 39,050 के पास। ये आपका दो लॉजिकल लेवल निकल के आते हैं, सपोर्ट के लेवल हैं। यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट लिया है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना डेफिनेटली बनता है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट 300 लाइक्स। और सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं, वीडियो कैसी लगी। हम लोग का एम है कमेंट का एटलीस्ट 200। सभी लोग एक एक जन को वीडियो शेयर करने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।